नमस्कार, मैं हूं चमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तिलक सर्किल पर सीवरेज का मैनहोल बनने से आक्रोशित लोगों ने इंजीनियरों के साथ हाथापाई काम रोका। हनुमानगढ़ में बोले न्यायमूर्ति ए के जैन, पीड़ितों को सहज व सुलभ न्याय दिलाने के लिए। मुझे थाने ले जा रहे पक्षों को गोसे पुलिस दिलाया जीवन दान। बिजली बचाने के लिए ग्रामीणों में CFL वितरित, बाद में आएगा शहर का नंबर। अब समाचार विस्तार से। सीवरेज का सच एक बार फिर सामने आया। निर्माण एजेंसी IUIDB के अधिकारियों की मानसिकता पर भी सवाल उठे। आखिरकार लोगों का गुस्सा फूट ही पड़ा, लिहाजा उन्होंने IUIDB के परियोजना अधिकारी SK कालानी और सहायक अभियंता धीरज चावला के साथ हाथापाई भी की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। यह बात इन दिनों स्टिक बैठती है तिलक सर्किल पर स्थापित बाल गंगाधर तिलक की मूर्तियों को देखकर। तिलक सर्किल हनुमानगढ़ जंक्शन का विशेष स्थल माना जाता है। जब भी कोई विशेष दिवस आता है तो शहर के प्रबुद्ध लोग तिलक की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचते हैं। यही एक शहीद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है। लेकिन सीवरेज निर्माण करने वाली एजेंसी IUIDP के अधिकारियों के मन में यह बात नहीं आई। आखिर कामकाज का बोझ इतना है कि वे शहीदों का महत्व भी भूल गए। नगर परिषद के अधिकारी भी कम नहीं, वे भी IUIDP के अधिकारियों की धारा में बह गए और देखते ही देखते तिलक सर्किल पर सीवरेज का मेनहोल बनाने का काम शुरू हो गया। सबसे पहले आवाज उठाई भाजपा नगर मंडल ने। अध्यक्ष डॉक्टर भारतभूषण शर्मा ने कलेक्टर से गुहार लगाई। फिर भी काम नहीं रुका तो शहर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपने स्तर पर निपटने की योजना बनाई। सुबह अधिकारियों को तिलक सर्किल पर बुलाया गया। परियोजना अधिकारी SK कालानी और सहायक अभियंता धीरज चावला पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कुछ लोगों ने तो उनके साथ हाथापाई भी की, गाली गलौज करने से भी नहीं चूके। नागरिकों के रोष को देखते हुए अधिकारियों की दयनीय स्थिति देखी जा सकती थी। वे डरे और सहमे हुए नीचे बैठे रहे। लोगों के रोष को देखते हुए उन्होंने फौरन काम बंद करने का निर्णय लिया। एक मेन होल सर्किल के अंदर बनना हमारा प्रस्तावित था, पर पब्लिक के रोष से उसको हमने बंद करा दिया है और उसके बारे में उसका दूसरा विकल्प देखेंगे। नहीं, आप भी कहो शहीदों का सम्मान, शहीदों के सम्मान के, पब्लिक का रोष देखते हुए शहीदों के सम्मान के लिए ऐसा हमारा भी दूसरा इसका हम देखेंगे। और इसको तुरंत प्रभाव से बंद करवा रहे हैं। इस कार्य को एक बार तुरंत प्रभाव से बंद करा रहे हैं। है कि IUIDP के परियोजना अधिकारी SK कालानी ने स्वीकार किया कि इसके लिए उन्होंने नगर परिषद के आयुक्त स्वर्ण बिश्नोई से सहमति ली थी। पहले उन्हें मौका दिखाया, फिर उनके कहने पर मेनहोल का निर्माण शुरू करवाया। हमने नगरपालिका आयुक्त को मौका दिखाया था, उनसे परमिशन लेके ये काम किया। लिखित में बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत और डॉक्टर भारतभूषण शर्मा ने अधिकारियों को खूब खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सोच विकृत हो चुकी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर परिषद की ओर से सीवरेज की पाइपें डाली जा रही थी काफी समय से, और ये जो इसके ठेकेदार हैं और डिपार्टमेंट PWD नगर परिषद सब लोगों ने मिलके घटिया स्तर की सीवरेज की पाइप डाली गई। जी शेड्यूल में जहां ये व्यवस्था है कि नीचे ग्रिट और उसके ऊपर सीमेंट, उसके बाद बेस बनाने के बाद पाइप डाली जाती थी, इसलिए ताकि उस पाइप का लेवल ऊपर नीचे नहीं हो, ताकि कल को जब सीवरेज स्टार्ट हो इसका ब्लॉकेज नहीं आए। परंतु दुर्भाग्य इस बात का हमें है कि इस डिपार्टमेंट ने, तीनों चारों लोगों ने मिलकर घटिया स्तर का निर्माण, घटिया स्तर की पाइपें इन्होंने डाली। उन पाइपों का जो मानक स्तर की पाइपें होनी चाहिए थी वो पाइपें थी नहीं, खुद की इनकी फैक्ट्री थी, उसमें से ये पाइपें बनाई गई, बिना बेस के बनाई। उसके बाद हद तब हो गई जब इस तिलक सर्किल, जो हमारा शहीद सर्किल है, जो हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के लोगों का आस्था का प्रतीक है, एक स्थल है, यहाँ लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं तिलक जी को, उस तिलक सर्किल के नीचे यहाँ चैम्बर बनाने का कुप्रयास किया इन्होंने। पब्लिक में बहुत ज्यादा रोष है, पब्लिक चाहती है कि यहाँ सीवरेज का टी पॉइंट नहीं बने, टी पॉइंट बनने के बाद वो गंदगी निकल के तिलक जी के चरणों में आके गिरेगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इन साहब का यहाँ घेराव किया, इन साहब ने मीडिया के सामने ये बोला कि हम यहाँ चैम्बर नहीं बनाएंगे, दूसरी अल्टरनेट जगह बना लेंगे, और अगर ये बनेगा तो ये पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी, हमें चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, रास्ता जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। काफी देर तक हो हल्ला के बाद आंदोलनकारियों का गुस्सा तब खत्म हुआ जब परियोजना अधिकारी SK कालानी ने तिलक की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी।
आप भी देखिए कैसे माफी मांगी अधिकारी ने। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति एके जैन ने कहा कि वकीलों को अब हर पीड़ितों को सस्ती और सुलभ न्याय दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए। एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे न्यायाधिपति ने कहा कि मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने की जरूरत है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित न्यायालय परिसर में वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र का लोकार्पण किया गया। न्यायाधिपति एके जैन और अभय चतुर्वेदी ने कहा कि बदलते वक्त के साथ ही वकीलों की सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है। न्यायालय परिसर में आयोजित सेमिनार में उन्होंने कहा कि मुकदमों के निस्तारण में तेजी जरूरी है। ऐसा न हो कि न्याय पाने के लिए परिवादी की एक पीढ़ी ही खत्म हो जाए, यह पुरानी सोच है, इसमें बदलाव जरूरी है। एके जैन के मुताबिक न्यायालयों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार गंभीर है। न्यायालय में आजकल फिर भी तो पुराने न्यायालय अब सब सुविधाएं नहीं है। मैं जानता हूँ वकीलों के लिए कई जगह टेंट नहीं है, तो आज उद्घाटन हुआ है, पार्किंग शेड भी नहीं है, कई जगह एयर कंडीशन नहीं है, पंखे तक नहीं है, चेंबर तक नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स का हमको पता है। हमने वकीलों की सुख सुविधाओं के लिए टेंटिंग, पार्किंग, ये सब के लिए चेंबर्स के लिए शो मोटो हमने कोविड में लिया था जयपुर बेंच में। मैंने हमारे चीफ जस्टिस में कुछ समझ होते और सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस से हमने पूरी डिटेल मंगवाई थी कहाँ कहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। केवल एडवोकेट्स की प्रॉब्लम से संबंध है, उसमें कोई जुडिशियल कोर्ट्स का नहीं था, बिल्डिंग का नहीं था, रेजिडेंस का, जुडिशियल ऑफिसर का नहीं था। सेमिनार में डीजे अजय कुमार गुप्ता, बार संघ के अध्यक्ष मनीष सिंह तंवर आदि मौजूद थे। न्यायाधिपति जैन ने कहा कि सुविधाएं बढ़ाने में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी, लिटरेचर को लेकर भी कोई परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि इसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। हिंदुस्तान का डिक्टेटर बना दिया है जाए तो सबसे पहले काम तो मैं ये करूंगा कि हर मैटर पहले आर्बिट्रेशन को रेफर हो। ये सब उनके अनुभव की वजह से है। आप भी जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं वो सब जानते हैं कि उनका क्या अनुभव है इस बारे में। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एडीआर बिल्डिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। लोक अदालत के अंदर जो हमने फिगर हमारे इसमें न्यूज़ लेटर में हमने छापे हुए हैं कि 99 से मार्च 2013 तक जो अभी आपको मैंने बताया 26,33,995 हुए, भारत सरकार भी इस चीज़ से बहुत खुश है। 2012 का फिगर अभी भारत सरकार के पास गया था पूरे हिंदुस्तान का। अभी नालसा की मीटिंग जो हमारे 23-24 अप्रैल को वहाँ चेन्नई में हुई थी, उसमें लोक मिनिस्टर सेंट्रल पे आए थे, उन्होंने कहा कि इस बार हिंदुस्तान में लोक अदालत के थ्रू 46 लाख मुकदमे तय हुए एक साल के अंदर। तो भारत सरकार भी इस एडीआर को फंड देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। हनुमानगढ़ अबोहर मार्ग पर ट्रकों में ठूस ठूस कर बूचड़खाने ले जाए जा रहे गायों को गोभक्तों ने कड़े प्रयासों से बचाया। गोभक्त गोवंश से भरे ट्रक को गोविंद धाम गौशाला ले गए। ट्रक में गायों को इतना ठूस ठूस कर भरा था कि उनका ठीक से बैठना क्या खड़ा होना भी मुश्किल था। अबोहर मार्ग पर गांव रुड़ावाली के पास गोभक्तों ने गोवंश से लदा हुआ एक ट्रक रोका। गोभक्त ट्रक को जंक्शन की गोविंद धाम गौशाला ले गए। ट्रक में गायों को ठूस ठूस कर भरा गया था। भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मौके पर एक बछड़ी की मौत भी हो गई। मौके पर पुलिस ने आकर 15 गायों व 3 बछड़ों को मुक्त करवाया। गोवंश को मुक्त करवाकर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ट्रक के मालिक, चालक व खलासी को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक की तलाशी के दौरान पुलिस को ट्रक में से पोस्त भी बरामद हुआ। पुलिस ने पशु क्रूरता एवं पशु वध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कहाँ से लाए हो? अमृतसर से। कहाँ लेके जा रहे हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, हाँ जी। इसलिए? सर वो काटने के लिए। काटने के लिए लेके जाते हैं? हाँ, वो तो वही काम करते हैं इधर। तो फिर किन लोगों ने भेजा है? हाँ जी, हमारे को पता नहीं, हम तो वहाँ से ट्रेन पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ छोड़ जाते हैं? हाँ सर, वो व्यापारी जो वही बात करता, वही पैसा। हम कितनी गाड़ियाँ आ जाएंगी आज का पता नहीं, हमारी तो दो थी, दोनों पकड़ी गई है। दोनों पकड़ी गई? हाँ जी। इससे पहले भी गाड़ियाँ आई है ना?
आज चार गाड़ियां निकली हैं वहां से बता रहे हैं। पता नहीं मेरे को इतना नहीं पता चार गाड़ियां का, लेकिन हमारी दो ही। मैं पहले चक्कर में आया हूँ, ड्राइवर ये खड़ा है, खड़ी बेशक इसको पूछ लो आप। हाँ जी, कौन सा गाँव है? मेरा जी रोपड़ जिला कीर्तपुर साहब है जी, पंजाब। तो मैं वहाँ टैक्सी का काम करता हूँ जी, टैक्सी का जी। नहीं सर, मुझे मैं तो पहले चक्कर में आया हूँ आज। सब ये गाड़ी हमने आज सुबह की ट्राई पे चल रहे हैं, तीसरी गाड़ी पकड़ी है और इस गाड़ी के अंदर हमें 18 गाय, जिसमें से 3 बैल और 15 गाय हैं जो कि बुच्चड़ खाने जा रही थी। एक पहले पकड़ी थी जो पल्लू एरिया में थी, और 3 गाड़ी आज पकड़ ली, एक धोलीपाल, एक ये रोडा वाली में और एक पल्लू में, और तीनों की तीनों गाड़ियां बुच्चड़ खाने जा रही थी। प्लस इसमें पोस्ट भी पकड़ा गया है, और पल्लू की गाड़ी पकड़ी थी उसमें हथियार थे धारदार, और इनके आगे आगे जो बंदे चल रहे हैं बाइक पे उनके पास हथियार है। समाचार अभी और भी अधिकतर दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पोल टेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ प्लान फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स, एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजे वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCDs और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर, और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीट कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। आपको
जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इम्पोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों को निशुल्क साड़ी, कंबल व 1500 रुपए के चेक वितरण करने का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद कार्यालय हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए निशुल्क साड़ी, कंबल व 1500 रुपए के चेक वितरण करने के कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया। बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों को योजना का लाभ मिलेगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता मदन बागला ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का द्वार खोलकर यह साबित कर दिया कि वह आमजन के हितों को ध्यान में रखने वाली सरकार है। फिर चाहे निःशुल्क आवास योजना हो, पेंशन योजना, निःशुल्क सीएफएल वितरण आदि कई तरह की योजनाएं चलाकर आमजन को लाभान्वित कर दिया। 1500 रुपए चेक वितरण का शुभारंभ किया गया है। जो बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड या इनसे अंगेज में जो भी कार्ड आते हों उनको सबको 1500-1500 रुपए कंबल और साड़ी वितरण के लिए गरीब आदमियों के लिए ये योजना माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज से जो शुरू किया है इसका आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये ऐसी योजना आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी सीएम ने कोई लागू नहीं की। 1500-1500 रुपया गरीब के लिए एक कंबल और साड़ी वितरण योजना। मुख्यमंत्री बिजली बचाओ योजना के तहत बीपीएल उपभोक्ताओं को निशुल्क सीएफएल बांटे जा रहे हैं। पहले दिन चले इस अभियान में 500 उपभोक्ताओं को सीएफएल बांटे गए। अभियान की शुरुआत जिले के गांव रोडामाली से हुई, वहीं शहरों में सीएफएल बांटने का काम बाद में शुरू होगा। मुख्यमंत्री बिजली बचाओ योजना के तहत निःशुल्क सीएफएल वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया। ग्राम पंचायत रामसरा नारायण के मिनी सचिवालय में सीएफएल वितरण का कैंप लगाया गया। सीएफएल वितरण के पहले दिन ही सीएफएल लेने वालों की लंबी लाइनें लग गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल एपीएल लोगों को निशुल्क सीएफएल का वितरण किया गया। निशुल्क सीएफएल का वितरण बिजली का बिल दिखाने पर ही किया जा रहा है। यह कैंप रामसरा गांव में 3 दिन तक चलेगा। पहले दिन चले इस कैंप में 500 उपभोक्ताओं को सीएफएल बांटे गए। इसके बाद नाथावाली थेड़ी में राजीव गांधी सेवा केंद्र में यह कैंप चलाया जाएगा। विद्युत निगम राज्य के सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को 2-2 सीएफएल प्रदान करेगा। शहरी क्षेत्र में भी बीपीएल उपभोक्ताओं को 2-2 सीएफएल प्रदान किए जाएंगे। जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 2.25 लाख उपभोक्ताओं को सीएफएल प्रदान किए जाएंगे। निःशुल्क दी जाने वाली सीएफएल की 15 माह की गारंटी भी है। इस दौरान खराब होने वाली सीएफएल को उपभोक्ता संबंधित सहायक अभियंता को पुरानी सीएफएल देकर नई सीएफएल ले सकता है। ग्राम पंचायत रामसरा नारायण में मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार सीएफएल बल्ब 2-2 प्रत्येक आदमी को दिए जा रहे हैं। एपीएल, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय और अन्नपूर्णा सभी कार्ड धारकों को उनको अपना बिजली बिल लेके साथ आए और 2-2 सीएफएल बल्ब लेके जाएं। वार्ड 1 से लेके 13 तक हमारी ग्राम पंचायत में वार्ड है और सभी को 2-3 दिन बांटे जाएंगे। और आज ग्राम पंचायत रामसरा नारायण में बांटे जा रहे हैं और कल नाथावाड़े थेड़ी के अंदर राजीव गांधी सेवा केंद्र में बांटे जाएंगे। उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों को सहायता भेजने के लिए भाजपा की ओर से केंद्र खोला गया। इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए देश के हर कोने से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे मौके पर जिला हनुमानगढ़ के लोग भी त्रासदी से ग्रस्त लोगों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर खाद्य सामग्री भेज रहे हैं। आपदा पीड़ितों की मदद के लिए भाजपा की ओर से केंद्र खोला गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया। सहायता अभियान का नेतृत्व अमर सिंह पूनिया, पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी, विकास गोदारा, शहर अध्यक्ष जगदीश गर्ग, जयराम सिंधी आदि भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। जन सहयोग से एकत्रित राशि बाढ़ पीड़ितों को भेजी जाएगी। उत्तराखंड की त्रासदी है वो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे भयंकर त्रासदी मानता हूँ मैं इसको। ऐसी मौके के ऊपर पूरा देश एकजुट होकर के जिस तरीके से सहायता कर रहा है
वो वाकई में प्रशंसनीय है। घटनाएं दुर्घटनाएं भगवान के हाथ में होती है, लेकिन इंसान का फर्ज है कि ऐसी दुख की घड़ी में उन परिवारों को जितनी सहायता हो वो करें। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। घरेलू बिजली लाइन में 11,000 वोल्टेज के आने की समस्या को लेकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि घरों में रखे विद्युत उपकरण नष्ट हो गए और कई लोगों को इससे करंट के झटके भी लग रहे हैं। घरेलू विद्युत लाइन में 11,000 वोल्टेज आने पर टाउन के वार्ड नंबर 16 व 23 के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा वोल्टेज के आने से लोगों के घरों के विद्युत उपकरण, घर में लगे विद्युत मीटर जलकर नष्ट हो गए और कई लोगों को करंट के झटके भी लग चुके हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए वार्ड के लोगों ने आज जोधपुर विद्युत वितरण विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वार्ड के लोगों ने सहायक अभियंता को बताया कि बार बार कहने पर भी निगम की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से काफी लोगों का लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। वार्ड के लोगों ने सहायक अभियंता से मांग की है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाए। पार्षद सेवाराम नागर के नेतृत्व में वार्ड के लोग वरिष्ठ भाजपा नेता जसपाल सिंह से भी मिले और उन्हें इस समस्या से अवगत करवाया। जसपाल सिंह ने वार्ड वासियों को जल्द ही समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जगशीर सिंह, महिराम, गोपीराम, सरोज, रामअवतार, पुष्पा, प्रहलाद, विनोद, रामचंद्र, रणजीत, सुभाष डाबला आदि उपस्थित थे। बाद भी 11,000 वोल्टेज घरों में आ जाता है, जिससे घरों का काफ़ी सामान जल गया है। बिजली का नगर पालिका से मैं भी गए, नगर पालिका से पैसे जमा करा चुके हैं बिजली बोर्ड में, फिर उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम चेयरमैन और पार्षद जी से मिलके समस्या समाधान के लिए उनके पास आए हैं। लाइट के बारे में तो हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इतने एक ढोलकी के ऊपर 40 कनेक्शन होने के बावजूद वो क्या है कि 11,000 लाइट आती है, जिससे क्या है कि हमारे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है लोगों के। फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह हो गया, हमने SCAN साहब को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारे कोई भी सुनाई नहीं हो पा रही है। जंक्शन के मुख्य बाजार में गंदे पानी के निकासी के लिए बना नाला दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। नाले की समय पर सफाई नहीं होने से वहां गंदगी का आलम छाया है। जंक्शन बाजार में गुरुद्वारा के पास दुकानों के आगे गंदे पानी की निकासी के लिए बना यह नाला दुकानदारों ही नहीं बल्कि आने जाने वाले नागरिकों के लिए भी परेशानी का कारण बना हुआ है। आए दिन इस नाले की चपेट में आने से महिलाएं व बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं नाले की समय पर सफाई न होने से यहां कचरे के ढेर पड़े हैं, जिसे दुकानदार गंदगी के बीच बैठने को मजबूर हैं। नाले की समय पर सफाई करने व इसको पत्थरों से ढकने के लिए दुकानदारों ने कई बार नगर परिषद को अवगत करवाया, लेकिन समस्या जस की तस है। जंक्शन मेन बाजार में
हम लोग व्यापारी सारे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं जी इस नाले से। ये बहुत बड़ा नाला है एक, जिसके ऊपर से पत्थर लोग उठा के ले गए हैं। इस नाले में आए दिन महिलाएं बच्चे जो हैं वो गिरते रहते हैं। अभी दो दिन पहले भी एक महिला अपने पूरे सामान के साथ अंदर गिर गई, बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला। और इसके अलावा यहाँ जो निकालने वाले हैं, इसका कार्यक्रम करने वाले हैं, वो भी सारा गंद निकाल के बाहर छोड़ जाते हैं। पूरी महामारी फैलने के इसमें अंदेशा हो रहा है जी। पशुओं का हालत इतनी बुरी है कि पूरी दुकानदारों को पशुओं ने इस तरह घेर रखा है। ग्राहक या अंदर पार्किंग के लिए कोई जगह व्यवस्था बची हुई नहीं है जी। और कई बार प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलवाने की कोशिश की गई है, पार्षदों को भी बुलाया गया है दो तीन बार, दो बार हमारे लोकल पार्षद ने आकर भी इसका थोड़ा इसको सही करवाने की कोशिश की है, पर यह समस्या जस की तस है जी। हनुमानगढ़ की प्रियंका ने आईआईटी प्री टेस्ट में सफलता अर्जित की है। प्रियंका की इस सफलता पर परिवारजनों व सहपाठियों ने प्रसन्नता जताई। हनुमानगढ़ निवासी खजानचंद की बेटी प्रियंका ने आईआईटी प्री टेस्ट में सफलता अर्जित की है। हनुमानगढ़ से 12वीं पास करने के बाद प्रियंका ने आईआईटी में चयन के लिए कोटा से कोचिंग प्राप्त की थी। परीक्षा में सफल होने पर प्रियंका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों, अध्यापकों व सहपाठियों को दिया। वहीं प्रियंका के पिता ने कहा कि वह शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफी रुचि रखती हैं और आगे चलकर आईएएस बनना चाहती हैं। मैं प्रियंका, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा आईआईटी जेईई 2013 में 2449 रैंक आया है। ये पाने में मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। मैंने रेजो कोटा से तैयारी की थी और मेरे टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और मैं आगे आईएएस बनना चाहती हूँ। प्रियंका मेरी बड़ी बेटी है, जिसने आईआईटी की तैयारी रिजवन से करके और ऑल इंडिया में 2449 रैंक पे चयन हुआ है। और मेरा सपना ये है मेरी बेटी आईआईटी ग्रेजुएशन के बाद आईएएस बने। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।